विगत दिवस शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने के बाद आज उनका पूरा परिवार रीवा पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में सांसद जनार्दन मिश्र सहित सैकड़ों लोगों के द्वारा गाजे बाजे के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा रेलवे परिसर शहीद दीपक सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि रीवा के लाल दीपक सिंह देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिसके बाद उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी वीरांगना पत्नी रेखा सिंह को दिया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के दौरान अपने साथियों का उपचार कर रहे दीपक सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बावजूद वो अपने जख्मों और दर्द को भूलकर अपनी अंतिम सांस तक अपने साथी जवानों का उपचार करते रहे। 30 से ज्यादा सैनिकों की उन्होंने जान बचाई। दीपक सिंह के साहस और जज्बे को पूरे देश ने सलाम किया। उनके मरणोपरांत राष्ट्रपति भवन में उनकी पत्नी को राष्ट्रपति ने वीर चक्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उनकी पत्नी सहित दीपक सिंह के पिता और बड़े भाई भी उपस्थित रहे। आज उनके रीवा आने की सूचना पर सांसद जनार्दन मिश्र सहित सैकड़ों लोगों ने रीवा रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। आइए सुनते हैं इस संबंध में शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह और सांसद जनार्दन मिश्र से प्राप्त जानकारी के अंश। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे हस्बैंड को वीर चक्र से नवाजा गया है। अनाउंसमेंट 26 जनवरी को ही हो गई थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, तो अभी 23 तारीख को मुझे वीर चक्र अपने हस्बैंड के लिए मिला है। उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेडिकल कोर से थे, उन्होंने गलवान घाटी में जब चाइना के साथ झड़प हुई तो उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, फिर भी उन्होंने अपनी चोट को इग्नोर करते हुए आगे फ्रंट लाइन में जाकर और 30 से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाई और लास्ट में खुद अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर गए। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो अपनी जान से ज़्यादा जिन्होंने अपने देश को और अपने दूसरे जो अपने साथी थे उनकी जान को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया और उनको जान देकर और खुद की जान कुर्बान कर दे। ये तो जिस तरह का अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दिया और जो विवरण सामने आया उससे तो हम सबका गौरव बढ़ा है, पूरे इस धरती का गौरव बढ़ा है, विंध्य की धरती का मान बढ़ा है। और उन्होंने जिस वीरता के साथ अपने घायल साथी जवानों की सेवा की, उपचार किया और अपनी जान की परवाह नहीं की, घायल होते हुए भी अपने जवानों की साथियों की सेवा करते रहे, ये सब हम सब के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। जब उनके बारे में विवरण सुना